अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रामनगर में भी श्री राम लला सेवक मंडल द्वारा 4 दिवसीय होगा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन, जिसमें रामनगर को सजाया जाएगा फूलों के साथ ही लाइटों से। बाहर से आए कलाकार देंगे विभिन्न प्रस्तुतियां, जिसमें पुणे से आ रहा महिला बैंड रहेगा मुख्य आकर्षण का केंद्र। आपको बता दें कि आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसको लेकर पूरे देश और उत्तराखंड में लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला है। तो वहीं इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए उत्तराखंड में हर स्थान पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो वहीं भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रामनगर में भी 20 जनवरी से 23 जनवरी तक श्री राम लला सेवक मंडल द्वारा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर आज आयोजनों की ओर से की गई प्रेस वार्ता में बताया गया कि 20 जनवरी को सुबह प्रभात फेरी से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा और 21 जनवरी को नगर में 1100 ध्वज यात्रा निकाली जाएगी और इसी दिन शाम को पायते वाली रामलीला प्रांगण में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है और 22 जनवरी को पुराने तहसील परिसर ग्राउंड में रामचरित मंचन का आयोजन होगा और इसके साथ ही 22 जनवरी को भी रामचरित मंचन का आयोजन करने के साथ ही रात्रि में भव्य भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें भजन संध्या में ध्रुव शर्मा, स्वर्णा, श्री एवं किशन भगत द्वारा अपनी प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यक्रम के आयोजक सलभ मित्तल ने बताया कि इन 4 दिवसीय कार्यक्रम में रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट, सांसद तीरथ सिंह रावत, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत प्रचारक चंद्रशेखर जी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रमों में एक दिन बाहर से आए कलाकारों की ओर से जहां एक और विशेष रूप से आतिशबाजी की जाएगी, तो वहीं पुणे से आ रही महिला बैंड भी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा और इस कार्यक्रम को लेकर पूरे रामनगर शहर को अयोध्या की तरह फूलों और लाइटों से सजाया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र के सभी लोगों से इस सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने की अपील की है। जैसा कि पूरे देश में उत्सव का माहौल है, श्री रामलला विराजमान हो रहे हैं 22 जनवरी को, उसी निमित्त हमारी राम की नगरी में श्री रामलला सेवक मंडल के बैनर तले एक 4 दिवसीय श्री रामलला विराजमान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि 20 जनवरी को प्रभात फेरी से कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाएगा। 21 जनवरी को एक विशाल श्री राम ध्वज यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें राम जी का डोरा निकलेगा। साथ ही 21 जनवरी को ही शाम को पायते वाली रामलला विशाल भंडारे का आयोजन है। 22 एवं 23 जनवरी को बाहर से आए प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा भजन संध्या एवं श्री रामचरित्र मंचन का आयोजन किया गया। ये पूर्णतः महिला बैंड नहीं है। आपने गणेश उत्सव में देखा होगा, जो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव में बड़े बड़े ताशे बैंड होते हैं ढोल वाले, वही एक टीम हमारे पास पुणे से यहाँ आ रही है। वो श्री राम ध्वज यात्रा में अपनी प्रस्तुति देगी, उसमें 10 महिलाएं और 30 पुरुष हैं। इसमें एक विशेष शोभा यात्रा में जो रहेगा पुणे महाराष्ट्र से एक विशेष ताशा बैंड, जो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का नगर मंडल एक विशेष सहयोगी के रूप में अवश्य है, लेकिन यह सभी